सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको उबर ज्वाइन करके बताऊंगा अपने फोन से घर बैठे। आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने फोन से घर बैठे उबर ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप उबर ज्वाइन कर लेंगे, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप पहला दिन काम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप पहला दिन पहला राइड कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो कुछ जरूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। मैं जैसे जैसे आपको बताता हूं आप वैसे वैसे ही करना, एक बार में ही आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। तो उबर ज्वाइन करने के लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहां पे साइन अप टू अर्न लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल देना, जैसे कि मैं अभी ईमेल आईडी डालने वाला हूं। ईमेल आईडी डालने के बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूं। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे यस करेक्ट माय ईमेल, आपको उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना। अगर आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, अगर आप ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। ठीक है, तो मैंने ईमेल आईडी डाला तो ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, वहां से ओटीपी लेकर मैं डाल देता हूं। और आप जैसे ओटीपी डालकर नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, वही मोबाइल नंबर डालेंगे आप जिस मोबाइल से आप लॉग इन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहां आपका नाम आ जाएगा और उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और उसके नीचे यस इट्स मी लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको ओटीपी फिर से डाल देना, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी डालने के बाद यहां से आपको फिर से नेक्स्ट कर देना। उसके बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां पे रीसेट अकाउंट लिखा हुआ, तो रीसेट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां पर लिखा हुआ व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, यानी कि ये आपका ईमेल एड्रेस है क्या, उसके नीचे आपका ईमेल एड्रेस यहां पे ऑटोमेटिक डाला हुआ रहेगा, यहां पर आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपको गाइस एक अपना पासवर्ड बना लेना है, मतलब अच्छा सा पासवर्ड बनाना ताकि आपको याद भी रहे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी जब आप आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, अभी मैं बताऊंगा वीडियो के आगे। तो आप पासवर्ड डाल के वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो फिर आप रजिस्टर या कॉपी में कहीं पर लिख लेना। ठीक है, तो पासवर्ड बनाने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, तो आप अपना नाम डालने के बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आई एग्री लिखा हुआ है और राइट साइड में जो एक आइकन बना हुआ खाली बॉक्स सा, उस पर आपको टिक मार्क करके और उसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको सिटी का नाम डालने का ऑप्शन आएगा, जिस सिटी में आप काम करना चाहते हो, तो यहां पे दिल्ली एनसीआर लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक करके आप इसको हटा देंगे और अपना सिटी का नाम डाल देंगे जिस सिटी में आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, और नीचे का जो ऑप्शन है रेफरल कोड ऑप्शन जो है, उसको आपको कुछ नहीं करना है और उसके नीचे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप इसमें कार भी अटैच कर सकते हैं, बाइक भी अटैच कर सकते हैं और ऑटो भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दूसरा नंबर पर जो मोटर टू व्हीलर लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक करना। जो तीसरा नंबर पर है वो आपको नहीं क्लिक करना, तीसरा नंबर पर लिखा हुआ कमर्शियल मोटरबाइक, अगर आपके पास येलो प्लेट नंबर है तब आप तीसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास व्हाइट नंबर प्लेट है तो आप सेकेंड नंबर पर क्लिक करके और आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद गाइस यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको अपना फोटो और डॉक्यूमेंट, बाइक की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ वेरीफाई करना है। तो सबसे ऊपर प्रोफाइल फोटो लिखा हुआ है, तो आप प्रोफाइल फोटो पर पहले क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको टैग फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल का सेल्फी ऑन हो जाएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको सेल्फी क्लिक करके दे देना है। उसके बाद गाइज आप यहां पर देख लो, जो आपका प्रोफाइल फोटो है वो इन रिव्यू में चला गया है, कुछ देर बाद कंपनी चेक करके इसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और आप जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो टैग फोटो का ऑप्शन आएगा, तो टैग फोटो पर क्लिक करके आप ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो क्लिक करके वहां पर सबमिट कर देंगे। ठीक है गाइस, और उसके बाद तो आप देख सकते हैं प्रोफाइल फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट जो लिखा हुआ है, तो वो दोनों इन रिव्यू में चला गया है। तो दो चीज कंप्लीट हो गया है, मतलब इन रिव्यू में अभी कंप्लीट नहीं हुआ और दो चीज अभी बाकी है।
पैन कार्ड अभी बाकी है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम आरसी बोलते हैं, तो आपको पैन कार्ड पर क्लिक करके टैग फोटो पर क्लिक करके कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके सबमिट कर देना। सेम उसी तरह आपको आरसी पे भी क्लिक करके टैग फोटो पर क्लिक करके और आरसी का फोटो खींच कर और आपको अपलोड कर देना। जब ये चीज़ चारों चीज़ आप कंप्लीट कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और प्रोफाइल फोटो वो कंप्लीट हो गया कंपनी की तरफ से, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम आरसी बोलते हैं और पैन कार्ड वो अभी इन रिव्यू में है। अभी मतलब कुछ देर बाद कंपनी चेक करके इसको कंप्लीट करेगी। तो यहां पर आपको एक सेटअप अभी और बाकी रह गया जो कि डाउनलोड द ड्राइवर ऐप लिखा हुआ, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर ले जाएगा। तो प्ले स्टोर पर ले जाएगा तो आपको वहां से ये एप्लीकेशन ड्राइवर ऐप ऊपर का जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेलकम टू द ड्राइवर ऐप, और आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। आप वही मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे जो आपने स्टार्टिंग में लॉगिन करने के टाइम दिया था, ठीक है? तो वो मोबाइल नंबर यहां पर सेलेक्ट कर लेना है आपको, और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपको ओटीपी यहां पर डाल देना, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को लेकर आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप वही पासवर्ड डालेंगे जो स्टार्टिंग में आपने क्रिएट किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस पासवर्ड को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या फिर आपको याद होना चाहिए या फिर किसी डायरी में लिख लेना जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो पासवर्ड बनाया था ना, वही पासवर्ड आपको यहां पर डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप फिर से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है कि आप उबर ड्राइवर ऐप को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, तो वो सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, यहां पर रंजीत लिखा हुआ, रंजीत की जगह आपका नाम लिखा हुआ आएगा, और आगे योर अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी, यानी कि आपका अकाउंट रेडी हो गया लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, जो नीचे आपको ओके पर क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है? यहां पर जो गो लिखा हुआ ब्लू कलर का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑन ड्यूटी हो जाएगा, लेकिन आप अभी ऑन ड्यूटी नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपका अभी आईडी कंपनी की तरफ से अप्रूवल नहीं हुआ है, आईडी आपका अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है? तो यहां डिस्प्ले पर जो थोड़ी दूर में लाल कलर का जो बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड एक्शन, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन मांगने का ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आपको देखना कि उबर ड्राइवर ऐप कहाँ है। तो जो उबर ड्राइवर ऐप है ना, तो उसका आप परमिशन ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है, और आप जैसे बैक आएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर से आप वहीं पर क्लिक करेंगे जहां पर इसे पहले किया था, रिक्वायर्ड एक्शन लिखा हुआ, उसके नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप दोबारा से फोटो खींचकर सही से अपलोड कर सकते हैं, कुछ देर बाद वो भी अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है? और एक काम अभी और रह गया, जो यहां बैंक पासबुक लिखा हुआ, तो बैंक पासबुक पर क्लिक करेंगे तो बैंक का आपको सभी डिटेल भर के आपको सबमिट कर देना है। अभी भी कर सकते हैं या फिर आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा तो तभी भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो उबर का जो वॉलेट में पैसा होता ना, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में आ जाता, हमें मतलब विड्रॉल करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसीलिए अगर आप यहां पर बैंक अकाउंट अपना डाल देंगे, बैंक अकाउंट का सभी डिटेल यहां पर फिल कर देंगे, तो जो भी वॉलेट का पैसा होगा वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो गाइस ज्वाइन करने का बस इतना ही प्रोसेस था। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है तो आप उसमें पहला दिन कैसे काम करेंगे, क्योंकि आपने कभी उबर में तो काम किया नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूं कि इसी वीडियो में आपको बताऊं पहला राइड कंप्लीट करके कि पहला राइड कैसे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो यहां से मैं अभी बाहर जा रहा हूं, अपने आईडी से मैं आपको एक राइड कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि पहला राइड आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे राइड आता है, कैसे इंटरफेस है, और कैसे एक्सेप्ट करना है, और उसको कैसे कंप्लीट करना है, कस्टमर से कैसे पैसे लेना है, मतलब सब कुछ ए टू जेड आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यहां से मैं बाहर चल रहा हूं और अपने फोन से एक राइड आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं। तो गाइज मैं आपको उबर ड्राइवर ऐप ओपन करके दिखाता हूं और किस तरह का उसका इंटरफेस है और आपको ऑन ड्यूटी कैसे आना, ठीक है? तो अभी ओपन हो रही है।
तो ऊबर ड्राइवर ऐप ओपन हो गया है और यहाँ पर आप ब्लू कलर का जो आइकन दिख रहा है उसमें गो लिखा हुआ है। जैसे आप गो पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप रिक्वायर्ड एक्शन लिखा हुआ उसके नीचे सेल्फी देने का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपसे सेल्फी देने को मांगेगा। और गाइस जब आप सेल्फी देंगे ना तो आपको मतलब ये फेस मास्क हटा के और हेलमेट बाहर निकाल के देना, मतलब फेस दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मास्क लगा के या फिर हेलमेट लगा के आप सेल्फी देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं इसको हेलमेट को निकाल देता हूँ और फिर इसको सेल्फी दे देता हूँ। तो गाइस सेल्फी मैंने दे दिया और जैसे आप सेल्फी दे देंगे तो ऑटोमेटिक आपको डायरेक्ट ऑनलाइन दिखा देगा कि आप ऑनलाइन आ चुके हैं। तो अब कभी भी राइड आ सकता है, तो देख लेते हैं पहला राइड कब आता है और जैसे राइड आता है तो मैं आपको एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा और किस तरह का इंटरफेस आता है। तो जब तक बुकिंग मुझे नहीं मिलता तब तक मैं इसके फ्यूचर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में 3 लाइन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम और आपका प्रोफाइल का फ़ोटो लगा हुआ रहेगा और रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको रेटिंग कितना मिला है। तो जैसे मुझे 4.89 रेटिंग मिला है और उसके नीचे आपको इनबॉक्स है। तो अगर आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बैक आता हूँ और इनबॉक्स के नीचे आप देख सकते हैं रेफर फ्रेंड है और उसी तरह से आपको मतलब यहाँ पर सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। सबसे नीचे अकाउंट है, उसके ऊपर वॉलेट है, उसके ऊपर अर्निंग है। ठीक है, तो आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो कि मेरा 10 रुपया माइनस में है वॉलेट। ठीक है, और अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो अर्निंग का सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कौन से वीक में कितने तारीख को अर्निंग किया। तो अभी देखो मेरे पास बुकिंग आ गया है, तो इस तरह से आपको बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतने दूर के एरिया में आपको कहीं भी क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा बुकिंग। ठीक है, और कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के लिए जो नेविगेट लिखा हुआ उस पर हमको क्लिक करना है। उससे पहले उसके नीचे कस्टमर का नाम लिखा हुआ है अनिल। ठीक है, तो मैं इसके नाम पर क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं इस पर क्लिक करके मैं कस्टमर को मैसेज भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर क्लिक करके मैं कस्टमर से कॉल पर बात भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टमर को कॉल कैसे करते हैं। आप अभी भी कर सकते हैं और कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर पहुँचने के बाद भी कर सकते हैं। अगर मुझे मैसेज करना होगा तो मैं यहाँ से मैसेज करके कुछ पूछ सकता हूँ, अगर नहीं तो यहाँ पर ऊपर कॉल का आइकन बना हुआ तो कॉल करके बात कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में डाटा है और राइट साइड में मोबाइल लिखा हुआ, तो आपको मोबाइल पर क्लिक करना है और मोबाइल पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका नंबर आ जाएगा और उसको आपको कॉल लगा देना है। तो मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ कि कहाँ जाने वाले हैं। वैसे जब आपको बुकिंग आएगा ना तो डिस्प्ले पर लिखा हुआ रहेगा कि कस्टमर को कहाँ से पिकअप करना है और कहाँ ड्रॉप करना है। तो गाइज मैंने अभी कस्टमर से बात किया तो उन्होंने बोला कि टाइम लग जाएगा, रहने दो, बस आ गई, तो वो बस लेकर चला जाएगा। अच्छा हुआ कि मैं कॉल कर लिया, नहीं तो हो सकता था ये कस्टमर आधे रास्ते में जाके कैंसिल कर दे बुकिंग को, तो इस तरह से आपको नुकसान हो जाएगा, फालतू में बाइक चलाना पड़ेगा। तो आप एक बार राइड एक्सेप्ट करके एक बार कस्टमर को कॉल कर लेना कि कहाँ पर जाने वाले हैं और आपको कितना टाइम लगेगा, आप उसको बता देना। देखो यहाँ पर राइड कैंसिल लिखा हुआ है, तो मेरा राइड कैंसिल हो गया, तो वेट कर लेता हूँ अब मैं दूसरा राइड का। तो गाइस देखो मेरे को दूसरा राइड आ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इतना दूर के एरिया में आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो राइड ऑटोमेटिक अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, उस टाइम ऑन हो नहीं रहा था, उस टाइम राइड आया हुआ था ना, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया और ये सन्नी के नाम से है। ठीक है, सन्नी को पिकअप करना है और इस तरह का इंटरफेस तो मैंने आपको कॉल करने के लिए तो बता ही दिया कि कस्टमर को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, और मैं इसका पिकअप लोकेशन चेक कर लेता हूँ कितना किलोमीटर है। तो हमें कस्टमर को पिकअप करने के लिए जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे, तो जैसे अभी इस तरह का इंटरफेस आ रहा है तो इतना दूर का एरिया छोड़ के अगर हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो वो नीचे आ जाता है और उसकी यहाँ पर लिखा है नेविगेट। अगर मैं नेविगेट पर क्लिक करता हूँ तो जो कस्टमर का लोकेशन होगा वो ऑटोमेटिक उठा लेगा गूगल मैप से। तो देख लेता हूँ कितना दूर है, तो 2 किलोमीटर है कस्टमर का डिस्टेंस और मुझे 4 मिनट लगेगा पिकअप करने के लिए, तो चल के पिकअप कर लेते हैं। और मैंने इस कस्टमर को कॉल नहीं किया क्योंकि ये नज़दीक से ही राइड है, 2 ही किलोमीटर है और मुझे 4 मिनट ही लगेगा, तो चल के पिकअप करते हैं। तो गाइज मैं अभी कस्टमर को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ और कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर पहुँचने के बाद वहाँ का क्या प्रोसेस है फिर मैं आपको बताता हूँ। आपका ही है ना सन्नी के नाम से। तो गाइज कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के बाद यहाँ पर स्टार्ट मोटो लिखा हुआ, तो आपको राइट साइड में स्वाइप कर देना है और कस्टमर से उसका OTP ले लेना है।
OTP लेने के बाद उसको डाल देना है और नेविगेट लिखा हुआ तो आपको नेविगेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट जो भी कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन होगा ऑटोमेटिक मैप में उठा लेगा और आपको फिर कस्टमर को मैप के सहारे ड्रॉप कर देना है। तो गाइज मैं भी कस्टमर को पिकअप कर लिया हूँ और ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। तो ड्रॉप करने के बाद का क्या प्रोसेस है फिर मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। A few moments later. तो गाइज मैं अभी कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया हूं और मैं फिर से Uber एप्लीकेशन पे आ गया हूं। तो कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो नीचे आप ब्लैक कलर से लिखा हुआ कैश कलेक्ट कैश, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो कस्टमर का जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर बताएगा, तो आपको कस्टमर से ले लेना है। मैंने पहले ही ले लिया ताकि मैं आपको डिटेल से बता सकूं। और सबसे नीचे यहाँ पे कंप्लीट मोटो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, तो आपको राइट साइड में ऐसे स्वैप कर देना है। और ऑटोमेटिक यहाँ पे 5-स्टार रेटिंग सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देते हैं। तो पहला राइड कंप्लीट हो गया। और ऑफलाइन में फिर से अगर ऑफलाइन करना होगा तो आप इसको ऊपर ऐसे करेंगे और गो ऑफलाइन लिखा हुआ, अगर मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ तो मैं ऑफलाइन हो गया। और इस राइड पे मुझे 55.95 रुपीज़ मिला, ठीक है। तो अब मैं इसका डिटेल आपको दिखा दूंगा। तो जैसे यहाँ पे 55 रुपये लिखा है और टुडे, तो उस पर क्लिक करता हूँ तो उसके नीचे आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे 1 ट्रिप कम्प्लीटेड लिखा हुआ है। और इस तरह करूँगा तो ये लास्ट ट्रिप है, यानी कि आप जितना भी मतलब आप दिन में जितना भी राइड करेंगे ना तो लास्ट ट्रिप आपको यहाँ पर बताते जाएगा कि आपने लास्ट टाइम इतने रुपये का ट्रिप किया था, ठीक है। और यहाँ पर सी अर्निंग एक्टिविटी लिखा हुआ, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पे मतलब सभी राइड का आपको डिटेल मिल जाएगा। तो अभी तो मैंने आज के डेट में अभी एक ही राइड कंप्लीट किया, बाकी ये सब जो राइड है ना 55 रुपया 43 रुपया, तो ये सब ना पहले का है। और मुझे 900 रुपया इंसेंटिव भी मिला था, तो उसका भी डिटेल है। आपको सभी डिटेल इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यही कुछ प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मैं मिलूंगा आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय।